वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। सोनी भाई को एक लैपटॉप आया था, इसका मदरबोर्ड हमने इसको रेडी किया, चालू किया और मैं आपको सारी चीजें इसमें दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये मदरबोर्ड है, आप देख पा रहे होंगे, इसका पार्ट नंबर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं बोर्ड में और सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जब भी बोर्ड आता है तो आपको सबसे पहला क्या वोल्टेज चेक करना होता है, आरटीसी सेक्शन को चेक कर लेना होता है। इसके अलावा आरटीसी सेक्शन पर क्रिस्टल को चेक करना होता है, फ्रीक्वेंसी को चेक करना होता है, बहुत सारी चीजें होती है। इस पर डिटेल से वीडियो में एक दो दिन में बनाऊंगा इसी पर। आज मैं बेसिक ही ऑन हो गया तो कुछ चीजें आपको बता देता हूँ कि कैसे इसमें सारी चीजें आपको चेक करनी है। तो सबसे पहले देखिए, जब भी मदरबोर्ड आता है तो आरटीसी सेक्शन को आपको देखना है। तो आरटीसी सेक्शन के लिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये बैटरी और यहाँ पर टेस्ट पॉइंट दिए हुए, तो इस पर हमें इसको रख के क्या करना होता है, चेक करना होता है कि ये किस तरह से यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं। देखिए 2 पॉइंट आपको यहाँ पर वोल्टेज, यहाँ पर आपको वोल्टेज दिख रहे होंगे। अरे तू सही अर्थ कर यार, यहाँ पे ऊपर रख, सही दबा उसको, 2.6 और यहाँ भी देख रहे होंगे आप 2.6। अब जैसे आप देखिए 2.6 है, मैं यहाँ पर एडाप्टर लगाऊंगा, एडाप्टर लगाते ही यहाँ पर मैं इसको रख लेता हूँ और वोल्टेज दिखाता हूँ आपको, दोनों चीज आप देखेंगे। अभी देखे 2.6 आ रहा है और जैसे आप एडाप्टर लगाते हैं तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, टेक ओवर कर लेगा, 2.9 के आसपास ही वोल्टेज हो गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्रिस्टल लगा हुआ है, ये बोर्ड बेसिकली नॉर्थ और साउथ ब्रिज बेस्ड बोर्ड है और इस पे सारी चीजें। इसके अलावा मैं आपको, अब देखिए जैसे आपने इसको लगा लिया है तो सबसे पहले आरटीसी सेक्शन अगर इस तरह से मूव हो रहा है, इसमें और भी बहुत सारे वोल्टेज होते हैं आरटीसी सेक्शन में। लैपटॉप पे कम से कम 2.5 से 3 हजार वीडियो में बनाऊंगा, जो मेरे वीडियो देख के सीख सकते हैं वो सीख लें और उसके बाद नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे पास आ जाइए, आपको मैं टोटल टू द पॉइंट चीजें कराऊंगा इसमें सारी चीजें डिटेल के साथ, कैसे कैसे। आरटीसी सेक्शन नॉर्मल होता है, बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। इसके अलावा क्रिस्टल पर फ्रीक्वेंसी और इसके और जो और 5 से 6 तरह के वोल्टेजेस होते हैं उस पर भी मैं आगे वीडियो में जरूर आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं, जैसे अडाप्टर लगाया, अडाप्टर लगाने के बाद आपको सीएलआर पे जाना है। सीएलआर पे कितना वोल्ट आएगा, सीएलआर ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, ये 19.5 वोल्ट का अडाप्टर है तो मैंने इसको 200 पे रख लिया है। ये देखिए यहाँ पर 19 पॉइंट, ये देखिए ये 20 के आसपास दिखा रहा है। दोनों तरफ आपको ये वोल्टेज चेक करने, ये वोल्टेज आ गया है। अब अगर ये बोर्ड शॉर्ट होता तो शॉर्ट की कंडीशन में आपको इस सीएलआर को क्या करना है, हटा देना होता है। और जैसे आप हटाएंगे, हटाने के बाद क्या करना है, यहाँ पर आपने इसका कनेक्टर भी हटा लेना है और हटाने के बाद आप जैसे इसको रखेंगे और इसको आप ये रखिए इस तरह से कंटिन्यूटी मोड पे, ठीक है। अब अगर ये सीएलआर इस तरह से हमने लिया और अगर ये ऐसे ग्राउंड करे, ग्राउंड करेगा इधर से और ग्राउंड करेगा इधर से, दोनों तरफ से, अगर एक तरफ है जहां से 19 वोल्ट पूरे बोल्ट में पंप हो रहा है, पंप कर रहा है, और एक जो है ये प्राइमरी और सेकेंडरी, मतलब जो एक फॉरवर्डिंग में है और एक ब्लॉकिंग मोड पे जो मॉस्फेट है उससे जो वोल्टेज यहाँ पर 18 आ रहा है, इसमें देखिए 3 लक्स के मॉस्फेटों की कहानी दी हुई है। तो हमें सबसे पहले अगर शॉर्टिंग का केस है तो इसको हटा के यहाँ पर चेक करना है कि वोल्ट इन सेक्शन में शॉर्टिंग है कि फिर आउट सेक्शन में शॉर्टिंग है, ठीक है। इसके बाद जो अगली चीज करनी है, फिर आपको क्या करना है, डीसी से यहाँ पर एक इसको ऐसे ग्राउंड रख लेना है और डीसी पर फिर आपको 3.3 एम्पियर पर रखकर 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 6 वोल्ट यहाँ पर देते जाना है। जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे, जिस भी सेक्शन में शॉर्टिंग होगी वो सेक्शन गर्म होगा, उसके आसपास 90% कैपेसिटर जाते हैं, 10% फिर कंपोनेंट्स के, अदर कंपोनेंट्स के भी चांसेस होते हैं। तो हर वीडियो में मैं आपको शॉर्टिंग निकालना बताऊंगा। शॉर्टिंग निकालना इतना आसान है, 2 मिनट से 5 मिनट ही लगता है हम लोगों को और हमारा कोई भी स्टूडेंट शॉर्टिंग निकाल लेता है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये आपने 19 वोल्ट ऐसे इस पे पंप करना है, 19 वोल्ट लगाते ही अब जितने भी आप देख रहे हैं मॉस्फेट, इन सारे मॉस्फेटों का जो प्राइमरी मॉस्फेट है जिसे अपर मॉस्फेट भी कहते हैं, उन सब पर वोल्टेज आना क्या हो जाएगा, चालू। तो सबसे पहले मैं आपको ये चेक कराता हूँ कि अगर आपने मदरबोर्ड लगा लिया है तो मदरबोर्ड पर एलडीओ बना कि नहीं। तो आप देखिए बैटरी के कनेक्टर, बैटरी हटाते ही आपको दिख जाएंगे, यहां पर आपको चेक करना है, ये देखिए माइनस पॉइंट होता है और यहां पर आपको चेक करना है, ये 20 पे रख लेना है। अब देखिए यहां पर 1, 2 आ गया 3.3, ये माइनस इसलिए दिखा रहा है मैंने क्योंकि यहां पर ग्राउंड किया हुआ है, ये मैंने यहां पे लिया, ये देखिए ये यहां नहीं दिखा रहा है, 3.3 एंड 3.3। अब यहां पर एसडीए, एससीएल और एलडीओ वोल्टेज है, तो ये एसडीए एससीएल वोल्टेज कहां से बना, यही जो एलडीओ वोल्टेज है रजिस्टर लगाकर यहां पर 3.3 वोल्ट बन जाता है, ठीक है। अगर एसडीए एससीएल डीएसओ से आप चेक कर रहे हैं वहां पर पल्सेज नहीं आ रही है तो कौन सी आईसी जाएगी, आयो।
और वहां पर अगर वोल्टेज नहीं आ रहे हैं तो कौन सी जाएगी, चार्ज। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर अगर ये थ्री, अगर ये वोल्टेज बन गया तो 3-5 सेक्शन ओके हो चुका है आपका, 18-19 वोल्ट की लाइन ओके हो गई। अभी देखिए मैंने लैपटॉप को ट्रिगर नहीं किया है, ये मैंने इसको वापस ग्राउंड पे रख लेना है, मोबाइल छोड़ के इधर ध्यान दे लो तो कुछ सीख जाओगे। अब यहाँ पर हमने इसको इस तरह से रखा, अब देखिए अब ये 19 वोल्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ये 19 वोल्ट की लाइन किस तरह से जाएगी वो मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट में लगा लो इसको। अब हम सीधा सीएलआर पे चेक करते हैं, 19 आ गया है, तो ये 19 की लाइन कैसे जा रही है, देखिए 19 आ गया, देखा आपको ये मॉस्फेटों पे। अब ये 19 यहां से सीएलआर से चलकर जितने भी मॉस्फेट लगे, जितने भी रेगुलेटर्स लगे, उन पर क्या होना चाहिए, 19 आना चाहिए। तो 19 आप मॉस्फेट पे चेक करने के बजाय वहां के कैपेसिटरों पे चेक करिए, ये आ गया, और चेक करना है, ये आ गया 19। ये देखिए ये सेक्शन दिख रहा है आपको, मैं बताऊंगा कौन कौन से सेक्शन है, स्कीमेटिक पर पूरा डिटेल के साथ इसका मैं वीडियो बनाऊंगा इस पे। आगे 19, आगे 19, आगे 19, यस सर। अब ऐसे आपको पूरी जगह पर बिना ट्रिगर किए, बिना ट्रिगर किए 19 वोल्ट मिल जाना चाहिए। इस समय किसी भी कॉइल पर वोल्टेज आपको नहीं मिलेगा, दिख रहा है। हाँ 3-5 आईसी में अगर ऐसा स्कीमेटिक में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू सर्किट, तो हो सकता है कि जो ऑलवेज वोल्टेज है वो क्या हो जाए, बन जाए। तो एलडीओ चेक करना है, एलडीओ 3.3, वो मैं आपको चेक करा देता हूँ, ये एलडीओ 3.3, ठीक है। यहाँ पर आरटीसी सेक्शन पर ये वोल्टेज बढ़ चुके हैं आप देख रहे हैं, और जैसे ही मैं अडाप्टर को हटाता हूँ आगे 2.64, और जैसे ही मैं वापस अडाप्टर को लगाता हूँ, ये दिखाते जा भाई, ये 3 वोल्ट, ये दिख रहा है मेरा अडाप्टर निकालने लगाना, ये देखिए निकाला मैंने और ये वापस लगाया, ठीक है। अब आप बैटरी पर भी देख लीजिए, 3 वोल्ट बन रहा है, ये हटा दिया मैंने, चला गया, ये हट गया, अब वापस लगा रहा हूं, ये क्लियर हो गई कहानी। अब अगर आपका एन चैनल मॉस्फेट प्राइमरी में है तो उसका गेट क्या होगा, हाई। पी चैनल है तो गेट क्या होगा, लो। डिस्चार्जिंग मॉस्फेट प्राइमरी सेकेंडरी फैट, इसके अलावा चार्जिंग के फैट, वो हम चार्जिंग सेक्शन पे इसमें स्कीमेटिक के साथ डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये सारे आपको इतने वोल्ट आपको मिलने चाहिए। अब अगर हम इसको ट्रिगर करते हैं तो ट्रिगर करने के बाद देखिए, हटा, जैसे हम इसको ट्रिगर करेंगे, ट्रिगर करने के बाद आप वोल्टेजेस की स्थिति देखिएगा, ये देखिए हमने इसको ट्रिगर कर लिया, यही लाइट आ गई। अब देखिए ट्रिगर करते ही, अब देखिए जितनी कॉइलें हैं उन पर मैं आपको वोल्टेज चेक कराता हूं, 0.9, 0.9, बंद हो गया भाई, सीपीयू गर्म हो गया, चलो ऐसी रख लो, डिस्प्ले आ गया, देखो डिस्प्ले भी दिखा दो, ये डिस्प्ले आ चुका है। अब हम इसको चेक करते जाते हैं, सीपीयू गर्म होगा, ये देखिए तुरंत बंद हो जाएगा, ये देखिए बंद करो, बंद करो, बंद करो, सीपीयू गर्म हो रहा है, फैन लगाओ इसका, ये चेक कैसे करेंगे यार, कमाल बहुत तेज गर्म हो रहा है ना, जल्दी करो, लाइव वीडियो है, है कौन, किसका फोन आ रहा है, नाम फोन नहीं है, जल्दी कर, जल्दी कर, बस छोड़ दे, इतना कस, इसको कस दे, जिन्हे कर रहा है ना, चलो वोल्टेज चेक करा दे, बस बस इतना काम हो जाएगा, छोड़ फोन कर भाई जल्दी से,
अब हम आगे इसको ऑन करते हैं। ये कर रहा है। हेलो, वो लेना भाई बोलो। लाइव में हूँ अभी, 2 मिनट लगाता। अब देखिए जैसे ही आप ऑन करेंगे इसको, ऑन करने के बाद फैन चला, फटाफट आप सारे वोल्टेज चेक कर लीजिए। वोल्टेज आपको प्रॉपर चेक करने 1.5, ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 3.3, यहाँ पर आप देखिए ये 1.5, जितनी कॉइलें हैं 0.85, ठीक है, सारी कॉइलें अब क्या हो जाएंगी, वोल्टेज बनाना क्या कर देंगी, चालू कर देंगी, ठीक है। तो ये चीज आपको चेक करना, और यही चीज जब हम डीएसओ से चेक करेंगे तो एक तरफ से पीडब्ल्यूएम और एक तरफ से पूरा वोल्टेज चलेगा। तो इस तरह से आपको एक एक चीज इसमें चेक करना आना चाहिए। इसके अलावा, अरे बंद मत कर यार, इसके अलावा ये गेट हाई होंगे कि लो होंगे, एन चैनल पी चैनल का कंसेप्ट, पावर स्विच पीएसएल लॉजिक का कंसेप्ट, आईओ पे सारे जितने वोल्टेज बनने इनपुट होना है, अडाप्टर आईडी का क्या कंसेप्ट है, वो सारी चीजें, एलवीडीएस सेक्शन पूरा डिटेल के साथ, चार्जिंग सेक्शन पूरा डिटेल के साथ, इसके अलावा जो आपका पावर स्विच लॉजिक है उसका पूरा कंसेप्ट कि किस तरह से आपको गेट को हाई करना है लो करना है, सारी चीजें डिटेल के साथ हम आपको डिटेल के साथ कराते हैं। ग्राउंड करो, ये देखिए यूएसबी के वोल्टेज देखिए, यूएसबी में कभी कभी यूएसबी आपका नहीं चल रहा तो उसके पीछे क्या कंसेप्ट होता है वो भी पूरा डिटेल के साथ कराऊंगा। सारी चीजें, ये एक एक चीज आपको डिटेल के साथ क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए, ठीक है। ये वोल्टेज नहीं बन रहे तो ये भी क्यों नहीं बन रहे, और कम बन रहे तो क्या हो रहे हैं, वो सारी चीजें भी आपको यहाँ देखना आना चाहिए। इसके अलावा हार्ड डिस्क जब डिटेक्ट नहीं होती तो वो भी चीज आपको चेक करना आना चाहिए। देखिए बहुत गर्म होता है इसका सीपीयू, तो इस तरह से आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें यूएसबी से लेकर साटा से लेकर सारी चीजें आपको मैं एक एक चीज डिटेल के साथ कवर कराऊंगा। तो ये था वीडियो, इस लैपटॉप पर हम पूरा स्कीमेटिक के साथ एक एक सेक्शन आपको डिटेल में करा दूंगा ताकि किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। कम से कम लैपटॉप पे 2500 से 3000 वीडियो हम डालेंगे ताकि कोई अगर जो परेशान है जो नहीं आ सकता वो लाइव वीडियो भी देख के हमारे सीख सकता है। थैंक्स।